हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य मेरन प्रयोग में। मैं शुभम आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, वोल्टेज रेगुलेटर वर्किंग, उसके टाइप्स एंड जितने भी टाइप्स हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं एंड उनका लिमिटेशन एंड उनका लिमिटेशन। ओके, तो चलिए मिलके बात करते हैं इनके बारे में। तो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर दो टाइप के होते हैं, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर एंड स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर। लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आपने अक्सर देखा होगा, हॉबीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो नए नए सीखते हैं वो पहले लीनियर से ही सीखते हैं। तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आपका LM705 है, LM7809 है, LM317 है। इसमें जैसे LM7805 की बात करें तो L जो बताता है वो लीनियर बताता है, M जो बताता है वो मोनोलिथिक बताता है एंड 78 ये पॉजिटिव टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर हैं एंड 05 ये आउटपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव 7 9 सीरीज में जाएंगे आप तो ये नेगेटिव वोल्टेज है, मींस ये आपको यहाँ पे जैसे आप प्लस का प्लस मिल रहा है और यहाँ पे माइनस मिल रहा है, यही अपोजिट पोलैरिटी में मिलने लगेगा 7 9 सीरीज में, 7 9 0 5 जाएंगे या 7 9 0 9 जाएंगे। तो ऐसा करके तो LM7805 ये आपका लीनियर मोनोलिथिक सिंगल चिप टाइप का वोल्टेज रेगुलेटर है। इसमें इंटीग्रेटेड आईसी नहीं है, इसमें बहुत सारा थर्मल प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऐसे सब टाइप के कुछ नहीं है इसमें, तो इसलिए इसमें बोलते हैं इसको सिंगल चिप। तो जैसे LM7805 की बात करें तो इसमें आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट होता है एंड इसमें हम 5 से अब 6 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं एंड इसमें 5 वोल्ट मिलेगा। उसी तरह LM317 जो एडजस्टेबल लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है, इसका हम आउटपुट 1.5 वोल्ट से 37 वोल्ट कर सकते हैं वी आउटपुट, इधर वी इनपुट देंगे एंड बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल रेसिस्टर R2 वी कैन एडजस्ट द आउटपुट वोल्टेज। तो ये एडजस्टेबल हो गया एंड दूसरे एक SMD पैकेज में ये सब जैसे जो पैकेज हैं TO220 पैकेज में आपको मिलेंगे एंड ये वाले ये SMD पैकेज में मिलेंगे। ये बेसिकली IC वगैरह को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कुछ IC ऐसे होते हैं जिसमें अंडर वोल्टेज अगर हो गया तो वो परफेक्टली वर्क नहीं करेगा और कुछ अगर फ्लक्चुएशंस हुआ तो वो रिबूट वगैरह फिर से हो जाएगा। इसके लिए हम वहाँ पे IC के लिए डेडिकेटेड रेगुलेटर लगाते हैं, जैसे कि AMS1117 ये 3.3 वोल्ट आउटपुट देगा वजह आप इनपुट वोल्टेज 6 to 35 वोल्ट दो। इसका पैकेज ये SMD पैकेज है। तो आज बेसिकली हम लोग स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में भी बात करने आए हैं, इसके बाद में इसका फीचर्स एंड स्विच लीनियर और स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के इफिशियंसी कैलकुलेशन ब्लॉक डायग्राम वगैरह को डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं जाइएगा नहीं, इन बिटवीन स्किप करके प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिए। अब तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का। स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज स्टेप डाउन को हम बक कन्वर्टर भी बोलते हैं, स्टेप अप को हम बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू दैट इज बक बूस्ट कन्वर्टर। एंड द एडवांटेज ऑफ दिस रेगुलेटर्स आर, सबसे पहले मैं इसके डिमेरिट्स के बारे में बात करता हूँ लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर के। तो इसमें जो
इनपुट करंट होता है, इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट हम सेम मान के चलते हैं, एंड जो जो वॉटेज का डिफरेंस आया आउटपुट साइड एंड इनपुट साइड में, वो वॉटेज जो डिफरेंस है उतना वाट हम हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देते हैं। तो ये इफिशियंट उतना नहीं होता है, इसका जो इफिशियंसी होता है वो 49 to 52% का होता है। अब लीनियर तो हो गया, अब स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का एडवांटेज क्या है? बेटर थर्मल परफॉर्मेंस, इफिशियंसी इज मोर, लो एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि ये एक मोनोलिथिक आईसी, सिंगल चिप आईसी नहीं है, इसके लिए ये इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन, उसमें अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, थर्मल प्रोटेक्शन भी होता है इसमें। तो एफिशिएंसी ज़्यादा है, एफिशिएंट एक ही चीज़ है। और इसमें जो इनपुट वोल्टेज है इसमें जैसे 35 वोल्ट तक की कर सकते हैं, तो इसमें मोर देन 35 वोल्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देखो इनपुट वोल्टेज 45 वोल्ट तक है। जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ TLE8386, ये इन्फिनियन ये चिप बनाती है, इसमें 45 वोल्ट तक आप दे सकते हो, तो हायर इनपुट वोल्टेज वो सपोर्ट करता है, करंट भी जो उसमें होता है वो हायर होता है, जैसे कि LM7805 जो है आपका, ये मैं बताता हूँ, LM7805 ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 मिली एम्पीयर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसी में L7805 एक आती है जिसमें कि आप 1 एम्पीयर तक कंज्यूम इससे ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर, और एक आता है L78S05, इसमें आप मैक्स 2 एम्पीयर तक कंज्यूम कर सकते हो आउटपुट साइड। बट हम बात कर रहे हैं स्टेप अप स्टेप डाउन एंड कॉम्बिनेशन बेटर स्विचिंग रेगुलेटर के बारे में, तो इसमें नॉट ओनली इसमें आप देखो तो ज्यादा से ज्यादा इसमें एडिशनल आपको डिकपलिंग कैपेसिटर्स आपको लगाने होंगे। डिकपलिंग कैपेसिटर जो आप लगाओगे, जो इनपुट वोल्टेज आपने दिया डिकपलिंग कैपेसिटर पे, जो वोल्टेज होंगे, जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हो उसका 3 times वोल्टेज होगा, उसी तरह आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है उसका 3 times वोल्टेज होगा कैपेसिटर का, एंड फैराड डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना लोड डाल रहे हो। तो बेसिकली उसको रिपल्स को क्लियर करने के लिए, प्योर डीसी पाने के लिए हम करते हैं, जैसे कि इसमें जो आप विदाउट कैपेसिटर आपको डीसी मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, बट विद फिल्टर आपको ये जो प्योर डीसी मिलेगा इसमें रिपल्स है। तो हम बात कर रहे थे इसका, तो इसमें एडिशनल क्या क्या लगता है आप एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम से देखो, तो इसमें आप देखो मॉस्फेट लग गया, इसमें आप देखो मॉस्फेट लगा, डायोड लगा, कैपेसिटर लगा, किसी किसी में इंडक्टर भी लगता है, फिर ये खुद का जो आईसी है वो लगा, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स इसमें बहुत लगते हैं, मॉस्फेट्स लगे। इसका ब्लॉक डायग्राम आप देखो तो इसमें एनडीओ तो रहता ही है, बट अलग से देखो थर्मल प्रोटेक्शन रहता है, फिर इंटरनल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होता है, गेट जो यहाँ मॉस्फेट यूज हुआ उसको स्विच करने के लिए गेट ड्राइवर चीज आता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रहता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है, सॉफ्ट स्टार्ट जो रैंप अप ऐसे होगा ऐसे वोल्टेज, तो सॉफ्ट स्टार्ट के लिए वो यूज होगा। तो इसलिए और स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर का एफिशिएंसी एप्रोक्सीमेटली आपको अगर पकड़ो बक का, तो बक ये बूस्ट है, तो बूस्ट वाले का अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो बूस्ट वाला वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से बढ़ा कर देता है, तो इसका एफिशिएंसी 76 होता है। उसी तरह बक का हम बात करें तो बक का एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेटली 97% होता है, क्यों? बक जो है इनपुट वोल्टेज से जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो और कम होगा, लीनियर का मैंने बता दिया 47 से 49 से लेकर 52 जैसा होता है। अब यही एफिशिएंसी पे कुछ सवाल इंटरव्यू में कर देते हैं लोग कि ऐसा एलडीओ है आपका जिसका कि इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज मेरा 5 वोल्ट है, और इससे एम्पियर हम 500 मिली एम्पियर निकाल रहे हैं, तो इस साइड मेरा एम्पियर क्या होगा, ऐसे सब टाइप का।
एंड हीट सिंक कितना लगाओगे, मतलब क्या वैल्यू का। एंड तीसरा, पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, एंड तीसरा सवाल ये, सेफ ऑपरेशन होगा क्या, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला बात आप जानिए कि करंट हम दोनों साइड बराबर लेंगे, तो P इज इक्वल टू V इंटू I, हम ये बात जानते हैं। तो 5 × 1/2 वाट, 1/2 एम्पियर, तो 2.5 वाट हम कंज्यूम कर रहे हैं आउटपुट साइड, 2.5 वाट। अभी ये आउटपुट साइड है, अब हम इनपुट साइड की बात करें तो P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट है एंड करंट इज 1/2 एम्पीयर, तो ये 5 वाट। तो P डिसिपेशन जो होगा 5 − 2.5, दैट 2.5 वाट। अब इसमें बेसिकली आप जब हीट सिंक सेलेक्ट करने के लिए जाओगे तो हीट सिंक सेलेक्ट करने के लिए आपको हीट सिंक का थर्मल रेसिस्टेंस देखना पड़ता है। थर्मल रेसिस्टेंस क्या है कि वो जिस डिवाइस में, जैसे केस में लगा है, ये जो रेगुलेटर है ना, ड्रिल होता है ये, इसमें 3 लेग होता है, तो इसके पीछे जो आप इसमें हीट सिंक आपने लगाया, तो हीट सिंक जो लगा तो केस से एम्बियंट थीटा, केस से एम्बियंट आपका दिया रहेगा, जैसे 60 दिया है, 60 डिग्री सेल्सियस पर वाट, तो वो जो टेम्परेचर है हीट सिंक का 60 डिग्री सेल्सियस राइज होगा अगर वो 1 वाट कंज्यूम किया। तो इसमें 60 डिग्री सेल्सियस जो है ये एम्बियंट से ऊपर होगा, एम्बियंट जैसे आप 25 डिग्री सपोज आप पकड़ रहे हो, तो इस टाइम जैसे हम 2.5 कर रहे हैं, तो 60 डिग्री सेल्सियस एंड ये हमको 2.5 वाट डिसिपेट करना है, तो 60 × 2.5 दैट इज लगभग 1 × 6 × 12, 15, 150 डिग्री सेल्सियस। एंड सपोज एम्बियंट मेरा हम 25 ना पकड़ के 30 पकड़ते हैं, और अगर इंडस्ट्रियल इलाका है या फर्नेस वगैरह के बगल में आपका डिवाइस है तो 50 भी पकड़ सकते हैं, तो मैं 30 पकड़ता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस किया, तो लगभग 180 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है। एंड जबकि आप देखोगे उसमें सेफ ऑपरेशन अगर LM317 का, या फिर आप 7805, L7805 का देखोगे तो लगभग 150 जैसा होता है, और हमेशा हम सेफ करने के लिए उसको लेस देन जो मैक्सिमम है 20 डिग्री सेल्सियस लेस ही मान के चलते हैं सेफ ऑपरेशन के लिए। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो हीट सिंक का ये, एंड वो सेफ है क्या नहीं ये आपने पता कर लिया। दूसरा, कभी कभी ये इनपुट वोल्टेज सपोज इसमें भी दे दिए कि इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये एक बक रेगुलेटर है एंड इधर 5 वोल्ट आपका मिल रहा है एंड इधर का एम्पियर 2 है, तो इनपुट का भाई एम्पियर बताओ। तो आपको ये पूछना है सबसे पहले कि सर ये इफिशियंसी बक कन्वर्टर का कितना है, तो सपोज हम मान के चलते हैं कि 97% है, तो बक कन्वर्टर के केस में एफिशिएंसी है इस बाजू पावर इनपुट साइड का इनटू ये आपका पावर लॉस, यानी आपने डिसिपेट कितना किया। तो सपोज यहाँ पे मेरा 97% इसमें दिया गया है एफिशिएंसी, तो हमने लॉस कितना किया 3%, तो पावर आउटपुट क्या हो जाएगा, आई अक्रॉस लोड इनटू वी आउट बाय आई अक्रॉस लोड इनटू वी इनपुट जोड़
3% मैंने लॉस किया पावर। तो इस तरह करके मैं एफिशिएंसी निकालूंगा ये इस चीज का। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन एफिशिएंसी वगैरह सब दिया रहेगा, आपको बोलेगा आई लोड निकालो या बी इनपुट निकालो, बी आउटपुट निकालो, ऐसे सब टाइप का आपको बताया। तो आपको क्या क्या, जब आप लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर या स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर बना रहे हो तो आपको सबसे पहले हीट सिंक का वैल्यू कैसे करेंगे, थर्मल रेसिस्टेंस वगैरह उसका कैसे डेटा शीट में देखेंगे, फिर स्विचिंग में क्या फ़ायदा है, लीनियर में क्या फ़ायदा है, ये सारा कुछ मैंने बताया। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस आपको सजेस्ट होने के लिए। ये किसी के काम का है ये वीडियो, तो आप उन्हें भी प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो। कीप ग्रोइंग, कीप हेल्पिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।